एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ फरमा थे कि आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, हमेशा याद रखना, अल्लाह ने जुमा के दिन में एक ऐसा लम्हा रखा है जिसमें की हुई हर दुआ अल्लाह के दरबार में ज़रूर कबूल होती है। तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि बाबा जान, वो कौन सा वक्त है और वो कौन सा लम्हा है जब दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे जिगर के टुकड़े, जब आधा सूरज गुरूब हो जाए और आधा सूरज अभी बाकी हो, तो उस वक्त की गई हर दुआ कबूल होती है। तो सैयदा ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ और देखो, जब सूरज आधा गरूब हो जाए, जब आपको खबर दी गई, तो आपने अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह से दुआएं की। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं होती तो रसूल अल्लाह के बताए हुए इस तरीके से दुआएं मांगें, अल्लाह के करम से आपकी हर दुआ कबूल होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।